why don't you stand up for Janagana Mana? What's your problem with it? ये है अभी की मीडिया जो इस तरह की हरकतें करती है। ना इन्हें दर्शकों की कुछ पड़ी है और ना ही प्रोफेशनल इथिक्स की। इन्हें बस चिल्ला चिल्ला के ब्रेकिंग न्यूज बनानी है और नौटंकी करके टीआरपी बटोरनी है। इन्हें देख के तो दिमाग में एक ही चीज बचती है, पर अब ये देखो लोकसभा में पार्टी के नए नेता का कार्यभार संभालेंगे। ठहराव, सादगी, सरलता, संवेदनशीलता और बस खबरों को लोगों तक पहुंचाने की चाह। ना टीआरपी का कंपटीशन, ना नंबर वन न्यूज चैनल बनने की दौड़। इन न्यूज रीडर्स में से कुछ चेहरे ऐसे थे जो सबकी पसंद बन गए थे, जैसे ये शोभना जगदीश। सिंपल लुक में दिखने वाली ये एक सादगी पूर्ण भारतीय नारी थी। इसी सरलता की वजह से लोगों को वो अपने घर का एक हिस्सा लगती थी। और इनके जैसी ही सिंपल बट थोड़ी डैशिंग दिखने वाली नीलम शर्मा। नीलम शर्मा भी लोगों में काफी फेमस थी। दूरदर्शन का चेहरा बन चुकी नीलम जी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हुई पहली महिला न्यूज एंकर हैं। और बात करें पुरुषों की तो सबसे पहले किसी का चेहरा नजर सामने आता है तो वो हैं प्रणव राय। दूरदर्शन में न्यूज एंकरिंग के बाद एनडीटीवी जैसा बड़ा न्यूज चैनल उन्होंने स्थापित किया। पर जब अडानी ने इस चैनल को टेक ओवर किया तब प्रणव राय को खुद ही के चैनल से रिजाइन देकर बाहर निकलना पड़ा। चलिए जानते हैं क्यों। नंबर वन, प्रणव राय। हाल ही में चल रही चर्चा में एनडीटीवी और अडानी के साथ साथ जिनका नाम सुर्खियों में था वो थे प्रणव राय। एनडीटीवी के फाउंडर प्रणव राय ने अडानी पे ये आरोप लगाया था कि वो एनडीटीवी को टेक ओवर करके उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। यहाँ तक कि अडानी के टेक ओवर की वजह से प्रणव राय और उनकी बीवी के 99% शेयर्स अडानी के पास चले गए और प्रणव राय ने अपनी सारी पावर गंवा दी। इसी के चलते उन्होंने और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने इस्तीफा दे दिया। एनडीटीवी जैसे बड़े चैनल के निर्माण से पहले प्रणव जी ने कई महत्वपूर्ण जगहों पर अपना योगदान दिया था और दूरदर्शन के न्यूज रीडर्स में इनका नाम लिया जाता है। इतना ही नहीं, प्रणव इंडियन इकोनॉमिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक, जर्नलिस्ट और ऑथर हैं। नंबर टू, प्रतिमा पुरी। आज जो हम सनसनादी ब्रेकिंग न्यूज के नाम पे बड़ा चढ़ा के बताई गई खबरें सुनते हैं उनका शुरुआती रूप आज से पूरा उलट हुआ करता था। और क्या आपको पता है कि सबसे पहली न्यूज किसने पढ़ी थी? ये है प्रतिमा पुरी, जिन्होंने अपनी हल्की मुस्कान के साथ बड़ी ही सादगी और शालीनता से पहली 5 मिनट की न्यूज बुलेटिन दी थी। एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया गया ये पहला न्यूज रीड था जो एक छोटे से ट्रांसमीटर की मदद से 15 सितंबर 1959 को प्रसारित हुआ था। पर उस पितृसत्ताक जमाने में प्रतिमा जी इंडियन न्यूज रूम में प्रभावशाली स्थान पाने वाली महिला थी और शिमला के एक गोरखा फैमिली में जन्मी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली प्रतिमा ने औरतों की प्रतिमा को एक नया रूप ही दे दिया, इसीलिए उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। नंबर थ्री, शोभना जगदीश। कॉटन की गुजराती साड़ी, गले में एक सिंपल चैन और माथे पे सजी लाल बिंदी, अपने न्यूज एंकरिंग के दौर में शोभना जगदीश की यही पहचान थी। सीधे पल्लू की साड़ी पहनने वाली शोभना जगदीश अपने सिंपल लुक और हल्की सी मुस्कान के लिए भी फेमस थी। उन्हें देखकर हर किसी को उनमें एक पारंपरिक भारतीय नारी की झलक मिल जाती थी। और हालांकि वो न्यूज रीडिंग का काम करती थी पर उनके गले में मानो सुरों की जादूगरी छिपी थी, जो शम्मी नारंग के साथ गाना गाते वक्त एक इंटरव्यू में सामने आई थी। सॉन्ग और इस जादूगरी ने लोगों को उनका और भी कायल कर दिया। अब इस टॉपिक के बारे में तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, अब आइए मेरे बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। आपको क्या लगता है मैं हमेशा से स्कूल की पढ़ाई में सबसे आगे था? वेल, सच बताऊँ तो नहीं। इन फैक्ट मैं तो ये तक सोचता था कि इतनी पढ़ाई, स्पेशली मैथ, इतना पढ़ के आगे हमें फायदा कैसे होगा। बट अब जाके पता चला कि मैं गलत था। और अब आप देख ही सकते हैं कि मैं नॉलेज को कितना इम्पोर्टेंस देता हूँ, कितना स्प्रेड करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अक्सर हमें ये लगता है कि कोई भी पढ़ाई या किसी इंडस्ट्री के बारे में ट्रेनिंग लेने में पहले ढेरों पैसे देने पड़ते हैं और उस लंबी चौड़ी ट्रेनिंग के बाद पैसा कमाना शुरू करते हैं। लेकिन इसी स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने में और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही आपको आपकी फर्स्ट इनकम दिलाने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ट्रेडिंग कंपनी यूट्यूब चैनल, जो आपको सिर्फ बिनोमो जैसे प्लेटफॉर्म से अर्न करने को सिखाता है। मैं इस चैनल का सब्सक्राइबर कुछ महीनों से रहा हूं। लेट मी टेल यू व्हाट आई हैव लर्न। नंबर वन, ट्रेडिंग आसान हो जाती है जब आपको कम्युनिटी का और खास तौर से किसी ऐसे का सपोर्ट हो जो ट्रेडिंग को समझता हो। नंबर टू, फेल्योर के बगैर सक्सेस इम्पॉसिबल है, डिफीट्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। आप सिर्फ 800 रुपए या 1000 रुपए से भी शुरुआत करके 80,000 से 1,00,000 रुपए तक कमा सकते हो। स्टडी करो सिर्फ 5-10 मिनट हर दिन के और डेली कमाओ ₹1,000 तक। अभी ज्वाइन करो कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स ट्रेडिंग कंपनी के साथ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और आइए अब आ जाते हैं हमारे वीडियो पर।
नंबर 4, सलमा सुल्तान, एक ऐसी न्यूज एंकर जिनकी पहचान बनी थी उनके बालों में लगाया हुआ गुलाब का बड़ा सा फूल, और जिस दिन वो बालों में गुलाब ना लगाती दूरदर्शन के ऑफिस में शिकायत वाले हजारों खत पहुंच जाते। ऐसे ही उनके पल्लू लगाने का स्टाइल भी काफी फेमस था, और इसका एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी है। एक इंटरव्यू में सलमा जी ने बताया था, तब उन्हें न्यूज देते वक्त हर दिन प्रोडक्शन हाउस से दी गई नई साड़ी पहननी पड़ती थी, पर हर साड़ी पे मैच होने वाले ब्लाउज उनके पास नहीं थे। इसी वजह से वो ब्लाउज को छुपाने के लिए साड़ी के पल्लू को ऐसे वी शेप में लगाया करती थी। इसके अलावा उनकी ठहराव के साथ न्यूज देने की अदा भी सबको पसंद आती, और यही थी जिनके मुंह से सबसे पहले पूरे भारत ने इंदिरा गांधी के हत्या की खबर सुनी थी। नंबर 5, शम्मी नारायण। अगला स्टेशन उद्योग भवन है। ये ऐसी आवाज है जो हर रोज हम सफर करते वक्त सुनते हैं, फिर चाहे वो दिल्ली की मेट्रो, मुंबई की, गुड़गांव की या गैंगलोर की। इस आवाज के पीछे की हस्ती एक ही है, शम्मी नारांग, जो कि दिल्ली के रहने वाले एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक्स न्यूज एंकर और एंटरप्रेन्योर है। इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के हिंदी डिवीजन में वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम किया था, और उसके बाद उन्होंने दूरदर्शन में न्यूज एंकर के रोल के लिए अप्लाई किया था, जहां 100,000 कैंडिडेट्स में से उनकी सिलेक्शन हो गई। उसके बाद वो दूरदर्शन का जाना माना चेहरा बन गए, और अब शम्मी जी न्यू जनरेशन के उभरते हुए न्यूज रिपोर्टर्स को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। नंबर 6, नीलम शर्मा। नारी शक्ति पुरस्कार, आधी आबादी वीमेन अचीवर अवार्ड और KPS गिल फियरलेस इंडियन, ये सारे अवार्ड अपने नाम करने वाली हैं नीलम शर्मा। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार पाने वाली वो सबसे पहली महिला थी। इसी वजह से सारी महिला एंकर्स के लिए वो एक मिसाल हैं। दूरदर्शन का चेहरा मानी जाने वाली नीलम जी ने न्यूज रीडिंग के साथ साथ तेजस्विनी, एहसास जैसे DD के शोज भी होस्ट किया करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने 60 से अधिक डॉक्यूमेंट्रीज की फिल्म मेकिंग की है। पर ऐसी कर्तव्यनिष्ठ नीलम जी की उम्र के 50 साल में ही कैंसर की वजह से उनका देहांत हो गया। नंबर 7, सुनीत टंडन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड प्रीमियर मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री के डायरेक्टर हैं सुनीत टंडन, जो लोकसभा टेलीविजन चैनल, लोकसभा सेक्रेटरिएट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तक के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। ये एक ऐसे होनार व्यक्ति हैं जिन्हें आपने अपने बचपन में DD पे न्यूज देते जरूर सुना होगा। मिस्टर टंडन करंट अफेयर्स के एंकर के रूप में ज्यादा पहचाने जाते हैं, और शायद ही आपको ये पता हो कि उनकी न्यूज एंकरिंग के साथ ही साथ एक्टिंग में बड़ी दिलचस्पी थी। तभी तो उन्होंने आज तक 200 से ज्यादा प्लेस में एक्टिंग की है, और वो खुद 30 से ज्यादा प्लेस को डायरेक्ट भी कर चुके हैं, जिसमें विलियम शेक्सपियर, जेन रेसिन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे कई लोगों के नाम शामिल थे। नंबर 8, नीति रविंद्रम। ये आवाज आपने जरूर सुनी होगी। दिस इज द स्पिरिट ऑफ जयपुर, रॉयल, मिस्टिकल, हॉस्पिटेबल, वाइवेशियस, लाइवली एंड ऑसम। ये आवाज़ है नीति रविंद्रम की, जिन्हें आपने बचपन में DD के इंग्लिश न्यूज रिपोर्ट में सुनाई होगा। न्यूज रिपोर्टिंग के साथ साथ नीति जी ने कई सारे प्रोग्राम्स में एंकरिंग की थी, जैसे कि सेलिब्रिटी, वर्ल्ड लीडर इंटरव्यूज, फ्यूनरल ऑफ मदर टेरेसा, कंपेयरर ऑफ यूनिसेफ प्रोग्राम विद मीडिया फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, हुक्ड अप टू इंडियन TV, इन्वेस्टर एंड ट्रेड प्रोग्राम्स। नंबर 9, सरला महेश्वरी, एक ऐसी न्यूज एंकर जिनके बोलने से ज्यादा उनके लुक्स के फैन थे। पर हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हर चीज में खोट ढूंढ लेते हैं। वैसे ही कुछ लोगों ने उनके मोल की आलोचना की, पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसी तिल की तारीफों के पुल बांधा करते थे, कविताओं से भरी चिट्ठियां भेजा करते थे। ऐसे ही एक चिट्ठी में उनके तिल के बारे में उनके चाहने वाले ने बोला था कि ऐसा लगता है मानो फूल पे भंवरा बैठा है। और लोग जो भी कहें, सरला जी ब्यूटी प्लस ब्रेन्स थी। तभी तो PhD कर रहे सरला जी ने 1982 में न्यूज रीडर के लिए अप्लाई किया। 1984 तक ये काम करने के बाद वो अपने पति के साथ इंग्लैंड गई, और फिर वहाँ BBC में जॉब हासिल कर ली। ऐसी ब्यूटी विद ब्रेन्स सरला जी की आवाज आज भी खेल दिवस पर अपने राष्ट्रपति भवन में गूंजती है। नंबर 10, विनोद दुआ। DD के न्यूज एंकर विनोद दुआ, जो कि पद्मश्री अवार्ड जैसे उच्चतम अवार्ड से नवाजे गए हैं, उन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए गए थे। एक फिल्म मेकर ने #MeToo मूवमेंट के वक्त उनका नाम लिया था। उनकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा साइड में रखें तो विनोद दुआ उनमें से हैं जिन्होंने करियर में सफलताओं की सीढ़ियां बड़ी तेजी से चढ़ी। वो पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट थे, जिन्हें रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस अवार्ड मिला था। 4 दिसंबर 2021 को कोविड के चलते अपनी जान से हाथ धोने वाले विनोद दुआ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मुंबई प्रेस क्लब अवार्ड और रेड इंक अवार्ड
अवार्ड जैसे कई अवार्ड मिले थे। नंबर 11, कावेरी मुखर्जी। दुनिया के बदलते रंग में खुद को ढाल चुकी कावेरी मुखर्जी डीडी पे इंग्लिश में न्यूज दिया करती थी और अब उन्होंने IDVO नाम का खुद का ट्रेडिंग सेंटर चालू किया है जहां वो पब्लिक प्रेजेंटेशन और बिजनेस एजुकेशन के लेसन देती हैं। दूरदर्शन में 1983 से 2006 तक इंग्लिश न्यूज रिपोर्टिंग करती कावेरी जी लंदन के BBC से ट्रेंड होकर आई थी। वो न्यूज रीडर के अलावा जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म डायरेक्टर, इवेंट कोरियोग्राफर, पब्लिक रिलेशन एंड मीडिया प्रोफेशनल, ब्रांड एंड इमेज कंसल्टेंट और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी रह चुकी हैं। नंबर 12, अविनाश कौर सरीन। आजकल लोग मूवी स्टार्स के पीछे भागने में लगे रहते हैं, पर वो दौर ही अलग था जब अविनाश कौर सरीन न्यूज एंकरिंग करती थी। तब न्यूज एंकर्स को लोग इतना प्यार देते थे जितना आज के न्यूज एंकर सोच भी नहीं सकते। शायद इसीलिए तो अविनाश कौर सरीन के बीमार होने की वजह से जब वो एक महीना काम पे नहीं गई थी तो उनके हाल पूछने के लिए दूरदर्शन के ऑफिस में लाखों लेटर्स आ पहुंचे थे। इनके एंकरिंग की शुरुआत की बात करूं तो फिजिक्स और एजुकेशन में डबल बैचलर डिग्री लेने वाली सरीन जी ने साइंस शो विज्ञान पत्रिका में एंकरिंग करना शुरू किया था और वहां से लोग न सिर्फ उनकी एंकरिंग के पर उनकी बड़ी सी बिंदी के भी फैन हो गए। खबरों का सिलसिला घर घर में पहुंचाने वाले ये दूरदर्शन के एंकर्स जो हमारी बचपन की यादों में बसे हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं ये तो फैक्ट भाई ने आपको बता दिया। हाँ, अफसोस की बात तो है कि वो ठहराव और सादगी हम अब फिर से कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, आज के न्यूज रिपोर्टर्स को क्या इनको देख कर इनसे सीख लेनी चाहिए? कमेंट में फैक्ट भाई को बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिना देरी के मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।